सुप्रभात मित्रों, मैं इंजीनियर सक्षम गुरुकुल स्कूल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के कुछ मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम देश को संबोधित करते हुए आने वाले त्योहारों के लिए बधाई दी व कोरोना के खतरे के प्रति अमेरिका व यूरोप का उदाहरण देकर संत कबीर व तुलसी के दोहे के माध्यम से आगाह करते हुए सावधानी बरतने को कहा है। कोरोना वैक्सीन पर भी स्थिति साफ करते हुए कहा कि ये जैसे ही आएगी उसे जन जन तक पहुँचाने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। अगली परीक्षा से टीईटी में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों को अब जीवन भर मान्य माना जाएगा। पहले 7 साल बाद दोबारा परीक्षा पास करनी पड़ती थी, ये जानकारी एनसीटीई चेयरमैन विनीत जोशी ने दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोविड-19 की अवधि में न्यायालय कार्य बाधित रहने के कारण इस अवधि में समाप्त हो रहे स्टे ऑर्डर की मान्य सीमा 1 नवम्बर कर दी है। नीट के परिणाम में अनियमितता को लेकर कई छात्र मुंबई हाईकोर्ट गए थे, उन्होंने मूल्यांकन में विसंगति का आरोप लगाया है। ताजा मामला एक छात्रा का है जिसे 0 अंक मिला है व एनटीए ने उसकी ओएमआर शीट भी अपलोड नहीं की है। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब विधानसभा ने कल 4 विधेयक व 1 प्रस्ताव पारित कर कृषि कानूनों को खारिज कर दिया है। यूएई के आवजन नियमों को का पूरी तरह पालन न करने के कारण दुबई हवाई अड्डे पर 66 यात्री फंस गए हैं, जिसमें 59 यात्री गो एयर की एक उड़ान से 48 घंटे पहले से पहुंचे हुए भी शामिल हैं। चुनाव आयोग के सुझाव पर सरकार ने लोकसभा व विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की खर्च सीमा में 10% वृद्धि कर दी है। अब वे विधानसभा में 30.8 लाख व लोकसभा में 77 लाख तक खर्च कर सकेंगे। हाथरस मामले में पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सीबीआई जांच में सामने आई है। आरोपी लोगों में एक नाबालिग है जिसे बालिग की भांति रखा गया है। जम्मू कश्मीर के शोपिया व पुलवामा में 2 अलग-अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकी मार गिराए हैं। कर्नाटक में फिर बारिश होने से बाढ़ के हालात और खराब हो गए हैं। सोनाना बैराज से पानी छोड़ने के बाद भीमा नदी के किनारे बसे गाँव में पानी भर गया है व लोगों को राहत केंद्रों में शरण लेनी पड़ रही है। कल सर्राफा बाजार में गिरावट आई। दिल्ली में सोना 268 रुपए गिरकर 50,860 व चांदी 1,126 रुपए गिरकर 62,189 पर बंद हुई। उधर शेयर बाजारों में मामूली तेजी देखी गई और सेंसेक्स 113 अंक बढ़कर बंद हुआ। अगली खबर खेल जगत से। कल आईपीएल क्रिकेट में पंजाब ने दिल्ली को 5 विकेट से हरा दिया। दिल्ली की ओर से शिखर धवन ने 106 रन बनाए। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। कल के कुछ मुख्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए गुरुकुल ई स्कूल के साथ। धन्यवाद।